स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने, अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिड वुमेन्स हैव अ रेवोल्यूशन, यानी कि वुमेन्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेशन किया, किसके अंदर, उस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, या वुमेन्स की कंडीशंस क्या रही, वो सब कुछ हमने उस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। आज जो हमारे सामने, आज जो हम नेक्स्ट स्टेप को पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम, यानी कि जो गुलाम प्रथा थी, यानी कि जो गुलामों को रखने की प्रथा थी, वो कैसे खत्म हुई, कहाँ पर, फ्रांस में। क्लियर है बेटा, फ्रांस में कैसे गुलाम प्रथा कैसे खत्म हुई, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि गुलाम प्रथा क्या थी, कैसे गुलाम को रखा जाता था। पहले आप थोड़ी समझिए स्लेवरी क्या होता है, गुलाम क्या होते हैं। गुलाम होता है जो आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा पुरानी किताब के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बड़े, पहले क्या था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो लैंडलॉर्ड्स अपने वर्क को कराने के लिए, अपने फील्ड्स में काम कराने के लिए, अपने खेतों में काम कराने के लिए कुछ लोगों को एज अ स्लेव के रूप में, एज अ गुलाम के रूप में अपने नीचे रखते थे। क्लियर है? तो ये फ्रांस में भी था। ये फ्रांस में कब एबलाइज हुआ, कब खत्म हुआ, वो हम लोग देखेंगे। तो ये फ्रांस के अंदर जब खत्म होता है, तो ये मैं आपको सीधा सीधा बता दूं बेटा, तो ये जैकोबिन, जिस समय पर जैकोबिन का समय रहता है, यानी कि जब कन्वेंशन गवर्नमेंट से रहती है, तब जैकोबिन का समय होता है, जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का समय रहता है, तब इस चीज को खत्म किया जाता, तब फ्रांस के अंदर से किसको, स्लेवरी को खत्म किया जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिए, जब जैकोबिन रिजाइन का समय रहता है, उस समय पर किसको खत्म किया जाता है, फ्रांस के अंदर से स्लेवरी को एबलाइज किया जाता है। तो वही है जैकोबिन रिजाइन एबलाइज स्लेवरी। जैकोबिन रिजाइन में क्या किया गया, स्लेवरी को खत्म किया गया। क्लियर है? क्लियर है? अब ये हम देखते हैं, ये अब जब हमें ये तो पता चला गया कि जैकोबिन के समय पर इसको खत्म किया गया, लेकिन ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, और इन स्लेव्स का किया क्या जाता था, या इन स्लेव्स को क्यों बुलाया जाता था, कहाँ से इन स्लेव्स को लाया जाता था, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ एक वर्ड है कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब समझिएगा सबसे पहले, कॉलोनीज का मतलब क्या है, कॉलोनीज उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर किसी कंट्री का क्या होता है, रूल होता है। जैसे कि इंडिया के ऊपर किसका किसका कंट्रोल था, इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल था, तो इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। क्लियर है? इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। तो ऐसे ही सेम फ्रांस ने भी यूरोप के अंदर छोटी छोटी जो कंट्रीज थी, कुछ कंट्रीज थी, उन कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ले रखा था, उन कंट्रीज को एज अ कॉलोनीज के रूप में बना रखा था। क्लियर है? ये कंट्रीज कौन सी कंट्रीज थी जहाँ इन्होंने अपने, जहाँ इन्होंने कॉलोनीज को बना रखा था, तो कुछ अफ्रीका की कंट्रीज थी, कुछ अमेरिका की कंट्रीज थी, कुछ यूरोप के और आसपास की कंट्रीज थी, उन कंट्रीज के ऊपर रूल था किसका, फ्रांस का, यानी कि उन कंट्रीज के ऊपर किसका शासन चल रहा था, फ्रांस का चल रहा था, यानी कि मैं कह सकता हूँ वो कंट्रीज एज अ कॉलोनीज थी किसकी, फ्रांस की। और ये कॉलोनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये कॉलोनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो आप समझना है कि कॉलोनीज क्यों इंपॉर्टेंट थी। कि देखिएगा, जैसे कि ये हमारी अर्थ है बेटा, है ना, और इस अर्थ के यहां पर ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, है ना, इक्वेटर। तो ये जो एरिया था इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया था, ये वाला, ये जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया था, ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। क्यों क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या था, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ थी, ये पढ़ा भी आपने ज्योग्राफी के अंदर। तो यहाँ पर जो जगह हुआ करती थी, उन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता था, उन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में क्या उगाया जाता था, क्रॉपिंग की जाती थी, लाइक तम्बाकू की जाती थी, रबर उगाने के लिए, तम्बाकू उगाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए, है ना, इन कमोडिटीज को उगाने के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा कैसी थी, फेमस थी। क्लियर है? तो इन जगहों पर बहुत सारी जो कंट्रीज थी, उन कंट्रीज को एज अ कॉलोनीज के रूप में बना रखा था किसने, फ्रांस ने। क्लियर है? अब देखिएगा, फ्रांस ने इन जगहों को एज अ कॉलोनी के रूप में बना रखा है, वो इन कॉलोनीज के अंदर क्या करते हैं, इंडिगो उगाते हैं, रबर उगाते हैं, कॉफ़ी उगाते हैं, तम्बाकू उगाते हैं, लेकिन क्या फ्रांस के खुद के लोग जाकर वहां पर उगाते होंगे, नहीं।
क्यों? क्योंकि यूरोप का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है और इन जगहों का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो दिक्कत होती होगी उन लोगों को। दूसरा, वहाँ यूरोप से और इन कंट्रीज तक का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इनको क्या होती होगी, प्रॉब्लम्स होती हुई। तो ये उन कॉलोनीज के अंदर जो इन्होंने जगह ले रखी थी, जो जगह घेर रखी थी, उन जगहों पर काम कराने के लिए किनको रखते थे? स्लेव्स को। नई बात समझ में आई बेटा, दोबारा मैं समझाता हूँ कि फ्रांस ने कुछ कॉलोनीज को घेर रखा था, इक्वेटर के आसपास की जो कंट्रीज थी उनको क्या कर रखा था, कंट्रोल में ले रखा था, उनको घेर रखा था। अब उन कंट्रीज के अंदर जो वो लोग अपना प्लांटेशन कराते थे, जो प्लांटेशन कराते थे किसका, कॉफ़ी का, रबर का, इंडिगो का, तो इन प्लांटेशंस को कराने के लिए उनको किस चीज़ की जरूरत होती थी? स्लेव्स की जरूरत होती थी। किसकी जरूरत होती थी? स्लेव्स की। क्लियर है? तो ये उन स्लेव्स को वहां पर रखते थे और उनसे क्या कराया करते थे, क्रॉपिंग कराया करते थे। क्लियर है? तो ये जो, अब इनके लिए क्या होता था, उनको स्लेव चाहिए होता था, स्लेव के लिए क्या होता था, एक ट्रायंगुलर ट्रेड हुआ करती थी। ट्रायंगुलर ट्रेड क्या है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है, मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये जैसे कि अफ्रीका है, ये नैंडेट बोर्डेक्स, नैंडेट बोर्डेक्स क्या है, एक पोर्ट है किसका, फ्रांस का। ये किसका, फ्रांस का एक पोर्ट है। ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है। अब मान लेते हैं कि अमेरिका की यहाँ पर ये फ्रांस के कोई, फ्रांस का कोई व्यक्ति है ए, इस ए व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ जमीन ले रखी है, कहाँ पर, अमेरिका के अंदर, और यहाँ पर वो क्या कराता है, प्लांटेशन कराता है। अब वो व्यक्ति खुद तो जाके प्लांटेशन करेगा नहीं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर एक स्लेव रखेगा। अब वो स्लेव कहाँ से आएगा वो समझना आप ध्यान से, कि यहाँ से अफ्रीका से जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, अफ्रीका से जो ट्रेडर्स होते थे वो अफ्रीका से स्लेव्स को लेकर, स्लेव्स को लेकर कहाँ आया करते थे, फ्रांस। स्लेव्स को लेकर कहाँ आते थे, फ्रांस। और फ्रांस के में भी किस पोर्ट पर आया करते थे, नैंडेट बोर्डेक्स, ठीक है ना, इस पोर्ट्स पर आया करते थे। और इस पोर्ट्स पर क्या किया जाता था, उन स्लेव्स को सेल किया जाता था, उन स्लेव्स को बेचा जाता था। क्लियर है? अब ये जो ए व्यक्ति था, जो ए व्यापारी है, इसने क्या किया, स्लेव को खरीद लिया। अब इस स्लेव को लेकर, जब इसने इस स्लेव को खरीद लिया, वो इस स्लेव को लेकर कहाँ जाएगा, अमेरिका के अपनी कॉलोनीज में जाएगा और यहाँ पर उससे क्या करवाएगा, काम करवाएगा। तो ये देखिएगा, तो ये एक तरीके से क्या बन गया, ये एक तरीके से क्या बन गया, ट्रायंगुलर टाइप की एक शेप बन गई। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला जाता था। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो इतना आपको समझ में आ गया कि स्लेव से क्या काम कराया जाता था, स्लेव से कॉलोनीज के अंदर प्लांटेशन क्रॉपिंग किया कराई जाती थी। दूसरा, स्लेव्स एबोलाइज कब हुई, तो जैकोबिन के समय पर ट्रेड को क्या किया गया, एबोलाइज किया गया। क्लियर है? अब बात ये आती है, स्लेव जो प्रथा थी, स्लेव को रखने की जो प्रथा थी वो कब से स्टार्ट हुई थी? तो मैं आपको बता दूं बेटा, ओल्ड रिजाइन के समय से, जिस समय पर किसका, लुईस 16 का समय था, उस समय से फ्रांस के अंदर किससे काम कराया जाता था, स्लेव से काम कराया जाता था। क्लियर है? क्योंकि देखो, लुईस 16 के समय पर किसे स्लेव, क्योंकि देखो स्लेव्स क्या थे, गरीब लोग थे, और उस समय पर जो पावर्स थी वो किसके हाथ में थी, लुईस 16 के समय पर जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, जो हायर लोग थे सोसाइटी के, जो क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे, या राजा थे, जिनके पास पावर थी, उनके पास में उनके पास सारी ज़मीनें हुआ करती थी, तो वो उन ज़मीनों पर काम कराने के लिए किनको रखते थे, स्लेव्स को रखते थे। तो वो स्लेव्स को क्यों बंद करेंगे, क्योंकि उन्हें तो प्लांटेशन कराना है ना अपना, तो वो स्लेव्स को उन्होंने बंद नहीं किया। क्लियर है? लेकिन अब ये पावर किसके हाथ में आई, नेशनल असेंबली के हाथ में आई, क्योंकि बेटा आपको पता है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर कौन से लोग थे, थर्ड स्टेटा के लोग थे। तो थर्ड स्टेटा के लोग थे, थर्ड स्टेट तक के, और इसमें क्योंकि जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी, लोगों के हाथ में आ गई थी बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोगों ने डिबेट करना स्टार्ट कर दिया, किस चीज़ से रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड कि स्लेव की किताब बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नेशनल असेंबली के समय पर डिबेट होता रहा, लेकिन इसको बंद नहीं किया। अब आप कहेंगे कि नेशनल असेंबली के समय पर इस पर डिबेट होता रहा, इसको बंद नहीं किया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा, नेशनल असेंबली के अंदर थर्ड स्टेटा के लोग थे, ये बात सही है, लेकिन थर्ड स्टेटा के कौन से लोग थे इसमें, प्रॉस्पियस लोग, है ना। और जो प्रॉस्पियस लोग थे उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें होंगी, तो वो लोग भी क्या चाहते होंगे, उनको भी अपनी ज़मीनों पर काम कराने के लिए क्या चाहिए, स्लेव चाहिए। तो जब उनको खुद अपनी ज़मीनों पर काम कराने के लिए स्लेव चाहिए, तो वो स्लेव प्रथा को क्यों बंद करेंगे। क्लियर है? तो ये इशू उस समय पर क्या करता रहा, डिबेटेड रहा, लेकिन इस पर कोई फाइनल आंसर नहीं आया। क्लियर है? बाद में क्या हुआ, पावर किसके पास से, नेशनल असेंबली से किसके पास चली गई, कन्वेंशन के पास में, कन्वेंशन यानी कि जैकोबिन रिजाइन, जैकोबिन के समय पर। क्लियर है? जैकोबिन के पास चली गई। अब आपको पता है कन्वेंशन जो गवर्नमेंट बनी थी, उस कन्वेंशन गवर्नमेंट के अंदर जो पावर थी वो भी थर्ड स्टेटा के लोगों के पास ही थी, लेकिन अब की बार इसमें कौन से लोग थे, थर्ड स्टेटा के लोअर जो स्टेटा के लोग थे वो थे। क्लियर बेटा?
तो जो लोअर स्टेटा के लोग थे उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास तो जमीनें नहीं है, हमारे पास लैंड्स नहीं है, हमारे पास लैंड्स नहीं है तो हम प्लांटेशन नहीं कराएंगे, और जब हम प्लांटेशन नहीं कराएंगे तो स्लेव प्रथा क्यों नहीं चाहिए, हमें स्लेव की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करें स्लेव को एबलाइज कर दें। तो इसीलिए कन्वेंशन गवर्नमेंट जब रही है, जब जैकोबिन का रिजिम रहा, जैकोबिन का समय रहा, उस समय पर इसको क्या कर दिया गया, एबलाइज कर दिया गया, किसको, स्लेवरी को, क्लियर है। बाद में क्या होता है कि बाद में जब कन्वेंशन से गवर्नमेंट कन्वेंशन गवर्नमेंट से पावर किसके पास जाती है, नेपोलियन के पास में। जैसे आपने देखा था कि लेजिस्लेचर के बीच में और डायरेक्टरी रूल जब चल रहा था, डायरेक्टरी के बीच में क्या होता है, आपस में जब झगड़े होते रहते हैं, इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो इसका फायदा किसने उठाया था 1804 में, नेपोलियन बोनापार्टी ने, क्लियर। और नेपोलियन बोनापार्टी ने क्या कर लिया था, अपने आप को एज अ रूलर के रूप में साबित कर दिया था फ्रांस के अंदर। तो जिसमें नेपोलियन बोनापार्टी का समय आता है, तो नेपोलियन बोनापार्टी क्या करते हैं, नेपोलियन बोनापार्टी स्लेवरी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब उन्होंने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस क्यों किया वो समझिए, कि देखिए नेपोलियन बोनापार्टी जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोराइज हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, व्यापार हो। और जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार इन्हें करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के अंदर व्यापार करना है इनको, तो इनको किसको, किन लोगों को खुश करना पड़ेगा, जो रिच पर्सन हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको खुश करना पड़ेगा। तो और जो बिजनेसमैन थे, जो रिच पर्सन थे, उन लोगों की एक ही डिमांड थी, उनकी डिमांड क्या थी, कि स्लेवरी को दोबारा से चालू किया जाए। इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया इस चीज़ को, स्लेवरी को, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, क्लियर बेटा। बाद में चल के बहुत आगे समय के बाद में स्लेवरी को फाइनली कब खत्म किया गया, कहाँ से, फ्रांस से, कब किया गया, 1848 में, यानी कि फाइनली स्लेवरी इज एबोलाइज्ड इन फ्रांस कॉलोनीज इन 1848, 1848 में स्लेवरी को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। यह हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ, स्लेवरी, एबोलाइजेशन ऑफ द स्लेवरी, के कैसे स्लेवरी आई, स्लेवरी क्यों जरूरी थी, क्या यूज़ था स्लेव्स का, हम कहाँ से स्लेव्स आया करते थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, यानी कि जो रेवोल्यूशन हुआ उसका लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्लियर। यहाँ पर ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट कम्प्लीट हो रहा है।